22, 10 साल से ऊपर हो गया, अब तो ये रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ है। अब तो ये रास्ता बन के तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। क्या क्या तकलीफ झेल रहा है, इतना लंबा जो बात है उसको भी मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद मालूम है क्या क्या तकलीफ झेल रहा है। तो हम लोग ये ATPWDS इस बात को हम आलो टाउन का लोग या आलो एरिया का लोग या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का लोग इसको मांग करना है, रास्ता जल्दी बना दो, अच्छा बना दो, अच्छा मेंटेनेंस कर दो, ये मांग करना बहुत जरूरी है। ये आइडिया ATPWDS ने जरूर दिया है। आज का ये धरना जो है सिर्फ अकेला ATPWDS का नहीं है, ये पूरा हम लोग का जिला का धरना है, सब पब्लिक का, जितना दुकानदार लोगों का, जितना गांव वाला का, जितना पंचायत लीडर लोग का, यहाँ तक कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो फौजी हैं, सभी तो सफर कर रहा है, उन सब का ये धरना है। और इसलिए हम लोग आज सब मिलके आवाज उठा रहे हैं। और आज जिस तरह से हमने इतना जोर शोर से आवाज उठाया है, मेरा समझ में सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और आप लोग जान के रखिए, सिर्फ ये धरना आलो में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रास्ता नहीं बनाने की वजह से तकलीफ 6 डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को बहुत तकलीफ है। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को, श्री यमी डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को, अपर सुबनसिरी यानी दापोरिजो का पब्लिक को, लेपारादा यानी बासर का पब्लिक को, लोअर सियांग यानी लेखावाली का पब्लिक को, सभी को तकलीफ है। और हमारा जो सियांग डिस्ट्रिक्ट का कुछ पोर्शन है, जैसे काइंग और पायुम और ये जमुना मंगू सर्कल रुमगम, उन लोग भी हम लोग का साथ तकलीफ झेल रहा है। तो आज भी उन लोग कांबा से भी बहुत लोग आए हैं, और आपका बागरा एरिया से भी बहुत लोग आया है, और पेशिंग जमनोबंग को काइंग से भी बहुत लोग आया है, क्योंकि ये सबका जरूरी है। आपका ये रोस रास्ता एक समय में एक इस हाईवे का नाम था आलो लिकावाली हाईवे, याद है, इसका नाम था आलो लिकावाली हाईवे, लेकिन इस हाईवे को दो भाग कर दिया है सरकार ने 2012 में। एक कर दिया ट्रांस हाईवे, यानी कि पुतिन से लेके दापोरिजो और ये बामे होकर आलो और ये बागिन तक, इसको ट्रांस हाईवे बोलता है। उसके बाद बासर से लिकावाली तक वो जो है वो सिर्फ हाईवे है। तो ऐसा दो भाग हो गया। हम लोग 2015 से इस रास्ता को बनाने के लिए 2015 हम लोग दो बार ये धर आपका बंद कॉल भी किया था, आप लोग को याद होगा, लेकिन तब से अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें अभी हम लोग सुना है 3 कंपनी उसमें काम कर रहा है,
एक कंपनी कर रहा है लिकाबाली से गारू तक, एक कंपनी कर रहा है गारू से ईगो तक, एक कंपनी कर रहा है ईगो से बासर तक। तो बासर का वहां में जो लोग पब्लिक है, वहां में एक ऑर्गेनाइजेशन है जीआरके, उन लोगों ने एक टीम बनाया मॉनिटरिंग करने के लिए। वहां जो बासर से लिकावली के बीच में जो रास्ता बनाया है उसको एनएचडीसीएल एक कंपनी है जो तीन ठेकेदार को, ये तीन जगह का ठेकेदार को उसको देखभाल करने वाले अलग कंपनी है। उन लोग ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया है कि आलो तू गारू पूरा सॉरी लिकावली तू गारू पूरा कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। उसके बाद गारू से ईगो तो 40% कंप्लीट हो गया, फिर ईगो से बासर तो 93% कंप्लीट हो गया, ऐसा एनएसआईडीसीएल ने सरकार को रिपोर्ट दिया है। लेकिन बासर का मॉनिटरिंग टीम जाके देखा है तो देखा है जो 100% कंप्लीट हो गया बोला है वो भी 100% कंप्लीट नहीं है, जूता रिपोर्ट है। उसमें एक लेयर ब्लैक टॉपिंग किया है लेकिन डबल लेयर नहीं किया है, जिसका वजह से अभी उसमें उखाड़ना शुरू हो गया है, गड्ढा भरना शुरू हो गया है। उसके बाद ये जो ईगो से अपना गारू तो जो है वो बोलता है 40% हो गया, बिल्कुल 40% नहीं हुआ है, वहां में ज्यादा से ज्यादा 25-30% हुआ होगा, ऐसा रिपोर्ट दिया है जो मॉनिटरिंग टीम है। फिर आपका बासर से जो ईगो है उसको 93% यानी कि प्राय खत्म हो गया, ऐसा रिपोर्ट दिया है, उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है तो 70-80% तक हुआ है। इसका मतलब इन लोग बोला है हम लोग ये आने वाला 2002 का दिसंबर में रास्ता को बना के तैयार कर देगा बोल रहा है, 2002 का दिसंबर में, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। 2022 का दिसंबर में बन के खत्म हो जाएगा ऐसे रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, मेरा समझ में सरकार ऐसा चीज है, एक ही धरना में हम लोग हो सकता है एक्शन नहीं लेगा, हम लोग तैयार रहना है और एक बार दो बार धरना देने के लिए, और जरूरत पड़े तो हम इटानगर में जाके धरना देंगे, यहाँ का धरना सर काम नहीं होता है, हम लोग इटानगर में जाके धरना देंगे। इसलिए हम लोग इसके लिए एकदम मजबूती से तैयार रहना है। अभी हमारा ये आज का कार्यक्रम प्राय हम लोग समाप्त करने जा रहा है, इसके बाद हमारा सेक्रेटरी जनरल बहुत ऑफ थैंक्स देंगे। तो उससे पहले हम लोग आपको बताते हैं, आज जो हम लोग धरना बैठा है उसका फलस्वरूप हम एक मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी को देने जा रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट का, और उस मेमोरेंडम में हमने लिखा है रास्ता जल्दी बनाओ, सिर्फ जल्दी नहीं क्वालिटी अच्छा से मजबूती से बनाना, क्वालिटी अच्छा होना है, और सिर्फ क्वालिटी अच्छा नहीं है बाद में फिर मेंटेनेंस करते रहना है। आप लोग देखते हैं ना ग्रेफ को, ग्रेफ 1962 में आया था, अभी तो रास्ता बना ही रहा है, मेंटेनेंस कर ही रहा है, ऐसा होना है, बना के नहीं छोड़ देना है। Hello, brother.
Mogorto, Alo Badam Mogorto, no road, no rest, no road, no rest, no road, no rest. Ok, arega dusin alte atrum goktige. Dikhe. Jaldi banao. Alo Badam Jaldi banao. Jaldi banao, Alo Badam Jaldi banao. Alo Nikavali rasta amitke. Jaldi banao. Adi me moto. Veda contactor in your high.